हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपेरिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश के सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, साथ ही साथ जानेंगे फिल्म कब रिलीज हुआ, बजट कितना रहा, कलेक्शन कितना किया, वर्डिक्ट क्या रहा, हिट या फ्लॉप। तो काफी इंटरेस्टिंग है वीडियो, वीडियो पर लास्ट तक रहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके, तो वीडियो पर लास्ट तक रहिएगा आप लोग। यश का पहला फिल्म आता है, फिल्म का नाम रहता है जम्बादा हुडगी, एंड ये मूवी आता है 2007 में। बजट रहता है 2 करोड़, कमाई करता है 3 करोड़ 20 लाख का, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। तो पहला फिल्म एवरेज रहता है। बात करें नंबर 2 मूवी आता है मोगिया मानसू, एंड ये मूवी आता है 2008 में। बजट रहता है 3 करोड़, कमाई करता है 11 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहता है। नंबर 3 मूवी आता है रॉकी, ये मूवी आता है 2008 में ही। बजट रहता है 5 करोड़, कमाई करता है 4 करोड़ 20 लाख, एंड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाता है। बात करें नंबर 4 तो मूवी आता है कलारा सांथे, एंड ये मूवी का ईयर रहता है 2009। बजट रहता है 4 करोड़, कमाई करता है 6 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। तो बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश का 5वां नंबर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है गोकुला, एंड ये मूवी आता है 2009 में ही। बजट रहता है 2 करोड़, कमाई करता 5 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहता है। नंबर 6 मूवी आता है मोडला साला, एंड ये मूवी आता है 2010 में। बजट रहता है 6 करोड़, कमाई करता है 11 करोड़ 90 लाख का, बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है। बात करें अब नंबर 7 मूवी आता है राजा धानी, एंड ये मूवी आता है 2011 में। बजट रहता है 4 करोड़, कमाई करता है 6 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहता है। 8 नंबर पर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है कीरा टाका, एंड ये मूवी आता है 2011 में ही। बजट रहता है 3 करोड़, कमाई करता 8 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है। अब बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश का 9 नंबर पर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है लक्की, ये मूवी आता है 2012 में। बजट रहता है 4 करोड़, कमाई करता 9 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है ये मूवी। बात करें अगर नंबर 10 तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है जानू, एंड ये मूवी आता है 2012 में ही। बजट रहता है 7 करोड़, कमाई करता है 11 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लेता है। अब बात करें नंबर 11 तो मूवी आता है, मूवी का नाम है ड्रामा, एंड ये मूवी आता है 2012 में। बजट रहता है 4 करोड़, कमाई करता है 13 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता है। अब बात करें नंबर 12 मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है गूगली, एंड ये मूवी आता है 2013 में। बजट रहता है 10 करोड़, कमाई करता है ये मूवी 30 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लेता है। इस मूवी से यश को काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिला था और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा चला था यूट्यूब पर भी, हिंदी में उसको रिलीज किया गया था तब। बात करें अगर नंबर 13 मूवी आता है राजा हुली, ये मूवी आता है 2013 में। बजट रहता है 6 करोड़, कमाई करता है 18 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लेता है। अब बात करें नंबर 14 मूवी आता है गजा केसरी, एंड ये मूवी आता है 2014 में। बजट रहता है 4 करोड़, कमाई करता है 16 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता है। अब बात करें नंबर 15 तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, एंड ये मूवी आता है 2014 में। बजट रहता है 6 करोड़, कमाई करता है 55 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाता है। कौन कौन देखा कमेंट में जरूर बताए। बात करें अगर नंबर 16 मूवी आता है मास्टरपीस, ये मूवी आता है 2015 में। बजट रहता है 2 करोड़, कमाई करता है 35 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लेता है। 17 नंबर पर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है सांतू स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ये मूवी आता है 2016 में। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 20 करोड़, एंड कमाई करता है 38 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है। अब बात करें नंबर 18 मूवी आता है KGF चैप्टर 1, जो कि ये मूवी आता है 2018 में। बजट रहता है 80 करोड़, कमाई करता है 250 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर का टैग लेता है। इस मूवी के बाद समझो तो आप लोग यश का लाइफ ही चेंज हो गया, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर हुआ था ये मूवी। बात करें नंबर 19 मूवी आता है KGF चैप्टर 1, जो कि काफ़ी इंतजार के बाद, 4 साल इंतजार के बाद 2022 में। बजट रहता 100 करोड़, कमाई करता 1250 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाता है। तो दोनों में से कौन सा मूवी आप देखें और कौन सा आपका फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताएं। तो ये 19 मूवी अभी तक रॉकिंग स्टार यश कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे समरी का कि कितना मूवी हिट दिया एंड कितना फ्लॉप। तो फ्लॉप मूवीज का बात किया है तो 1 रहा है मात्र 1, एंड एवरेज मूवीज 5 दिए हैं। वहीं पे हिट मूवीज का बात किया है तो 6, एंड सुपर हिट मूवीज 4 दिए हैं। बात करें ब्लॉकबस्टर मूवीज का तो 2 रहा है। अब बात करेंगे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज का तो 1 रहा है, जो कि KGF चैप्टर 2 था। अब बात करें सक्सेस रेशियो का तो 95% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यश का 95% सक्सेस रेशियो, इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करेंगे हम लोग अपकमिंग मूवीज के बारे में कि कौन कौन सा मूवी आने वाला है। तो नंबर 1 है यश 19, 2 नंबर पर मूवी आने वाला है यश 20, एंड 3 नंबर पर आने वाला है KGF चैप्टर 3। तीनों में से कौन ज़्यादा कमाएगा और कौन कितना कमाएगा, कौन हिट रहेगा और कौन फ्लॉप, कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। आप लोग क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। एक फेवरेट मूवी का नाम बताइए, यश का कौन सा मूवी आप लोग को अभी तक सबसे अच्छा लगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। एंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है यार, तो 1 लाइक तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।